एक स्त्री के दरवाजे के बाहर तीन साधु बैठे थे। स्त्री अपने घर से निकली, उसने अपने दरवाजे पर सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाले तीन साधुओं को बैठे देखा। जिज्ञासा बस वह साधुओं के नज़दीक जाकर बोली, आप लोग मेरे दरवाजे के पास क्यों बैठे हैं? साधु बोले, हम सन्यासी हैं और भूखे हैं, तुम्हारे घर पर भोजन करना चाहते हैं। स्त्री ने साधुओं के मुँह से ऐसा सुनकर उन्हें भोजन कराना अपना सौभाग्य समझा। स्त्री बोली, आप लोग मेरे घर के अंदर आ जाइए, मैं आप तीनों को भोजन कराती हूँ। स्त्री की बात सुनकर तीनों साधु उसके घर के अंदर जाने के लिए खड़े हुए। साधुओं ने पूछा, तुम्हारे घर पर कौन कौन है? स्त्री ने कहा, इस समय मैं अकेली हूँ, मेरे पति बाजार गए हैं। स्त्री से ऐसा सुनकर साधु लौट पड़े। उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर पर कोई पुरुष सदस्य नहीं है जो हमारा सत्कार कर सके, इसलिए हम जा रहे हैं, तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते। तीनों साधु अभी कुछ ही दूर गए थे कि स्त्री का पति आ गया। स्त्री ने पति से तुरंत ही तीनों साधुओं के बारे में बताया। पति ने कहा कि द्वार से कोई साधु भूखा जाए यह गृहस्थ के लिए ठीक बात नहीं है, तुम तीनों साधुओं को वापस बुला लाओ। पति की बात सुनकर पत्नी तीनों साधुओं को वापस बुलाने निकल पड़ी। कुछ दूर चलने पर उसे तीनों साधु जाते हुए दिखे। स्त्री ने आवाज़ लगाई और तीनों साधु रुक गए। स्त्री ने उनके पास जाकर कहा, मेरे पति आ गए हैं, आप लोग चलकर भोजन कर सकते हैं। स्त्री से ऐसा सुनकर साधुओं ने कहा, हम तीनों साधु एक साथ किसी के घर भोजन नहीं कर सकते, बल्कि एक एक करके जाते हैं। हम तीनों का नाम प्रेम, धन और सफलता है, और हम तीनों में से जो भी पहले जिसके घर जाता है उसके घर वही चीज़ आ जाती है। अब तुम बताओ, तुम हम तीनों में से पहले किसको भोजन कराना चाहोगी? साधुओं से ऐसा सुनकर स्त्री अपने पति के पास आकर बोली, हम किस साधु को पहले भोजन के लिए बुलाएं? पति ने कहा, धन को पहले बुला लो, धन के आ जाने से हमारी गरीबी सदा के लिए खत्म हो जाएगी और हम सुखी हो जाएंगे। पत्नी ने कहा, क्यों ना हम सफलता को बुलाएं? सफलता के आ जाने से हमारे काम सफल होंगे और गरीबी भी दूर हो जाएगी। दोनों पति पत्नी में आपसी सहमति नहीं बन पाई कि पहले किसको बुलाया जाए। हार कर दोनों ने कहा कि चलो बोलते हैं धन और सफलता नाम के साधु में से जिसका मन हो वह पहले आकर हमारे घर भोजन करे। उन दोनों के मुंह से ये बात सुनकर तीनों साधु जाने लगे। स्त्री ने उन साधुओं को रोकते हुए कहा, आप लोग सुनते क्यों नहीं? इस पर एक साधु ने जवाब दिया, देवी, ये सही है कि हम तीनों किसी के घर एक साथ नहीं जाते, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति सबसे पहले प्रेम को भोजन के लिए निमंत्रण देता है, पीछे से सफलता और धन अपने आप ही आ जाते हैं। लेकिन धन और सफलता को पहले बुलाने वाले के घर हम में से कोई भी भोजन के लिए नहीं जाता। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा है कि जहाँ प्रेम को जगह मिलती है वहाँ धन और सफलता अपने आप ही आ जाते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।